हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हजारों बेरोजगारों ने बाबू बनने के लिए आजमाया भाग्य। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हुई LDC भर्ती परीक्षा। जोधपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच LDC भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। पहले चरण की इस परीक्षा के लिए जोधपुर में 97 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें हजारों परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा 2 पारियों में हुई। अब दूसरे चरण की परीक्षा 19 अगस्त को होगी। यह परीक्षा 4 चरणों में पूरी होगी। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की ओर से रविवार को 11,255 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई। इस भर्ती प्रक्रिया में लिपिक ग्रेड 2 के पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। इस परीक्षा को देने के लिए शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थियों की चेकिंग कर अंदर जाने की अनुमति दी गई। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। पहली पारी में सुबह 8 से 11 बजे तक सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित विषय का एक ही पेपर हुआ। वहीं दोपहर 2 शाम 5 बजे की दूसरी पारी में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का पेपर हुआ। दोनों पेपर 100-100 अंकों के थे। कड़ी जांच के बाद दिया प्रवेश। नकल रोकने के लिए केंद्रों पर प्रवेश से पहले सख्ती से जांच की गई। परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस जाब्ते की ओर से परीक्षार्थियों को जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया गया। इन परीक्षा केंद्रों में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखा गया। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को मोबाइल, हाथ घड़ी या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाने पर पाबंदी थी। दूसरे चरण की परीक्षा 19 को। यह परीक्षा 4 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहले चरण में आज रविवार को अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार ए से जी तक नाम वाले अभ्यर्थी की परीक्षा हुई। परीक्षा का दूसरा चरण 19 अगस्त को होगा। इस दिन अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार एच से एम तक का नाम वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। तीसरे चरण में 9 सितंबर को N से R तक और 16 सितंबर को चौथे चरण में S से Z तक के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।